ओके चलिए देखते हैं। साथ में भी पॉइंटर होते क्या? नहीं साथ में तो नहीं होते। वहां नहीं होता, मतलब वहां बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ओके चलिए, पॉइंटर सिंसी ये होता क्या है, आप लोगों को एक बात तो पता है कि एवरी वेरिएबल हैज एन एड्रेस, हर वेरिएबल का एड्रेस होता है, ये पता है ना, कि वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करते हैं। स्वानी आप हैं? यस भैया। ओके तो ये आप लोगों को पता है कि एवरी वेरिएबल एज एन एड्रेस, राइट, हर वेरिएबल का अपना एड्रेस होता है, मतलब जब भी कोई आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, रेस्पेक्टिव वो सी डी वॉट एवर, किसी भी कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल के लिए क्या होता है, मेमोरी एक एलोकेट मेमोरी करते हैं, लोकेट होता है। है ना, उसके लिए मेमोरी एलोकेट होता है, राइट। तो जितना वेरिएबल कीजिएगा हर के लिए कहीं ना कहीं पे मेमोरी एलोकेट होगा, राइट। और ये जो मेमोरी एलोकेट होता है, हर मेमोरी का हर जगह का अपना एक एड्रेस होता है, तभी तो वो जाके खोज के लाता है कि यहाँ पे है, नहीं तो खाली डेटा रख देंगे और ये बताएंगे नहीं कि डेटा कहाँ है, तब यह स्टोरेज से रीड कैसे होगा या मेमोरी से रीड कैसे होगा, राइट। आपके मेमोरी से रीड करने के लिए इस जहां पे भी रखा गया उसका कुछ तो रेफरेंस पॉइंट होगा, तब ना बोलेगा कि वहां से लेके आइए, बात समझ में आ गया, नहीं तो बिल्कुल कुछ भी रीड करना हो पूरे मेमोरी का चक्कर काटना पड़ेगा, राइट, और खोजना पड़ेगा कि कहाँ पे रखा हुआ है कि नहीं। आपका घर का एड्रेस है तब ना आपको आपको लोग खोज लेता है, घर का एड्रेस नहीं रहेगा खाली बोलेंगे कि इंडिया में रहता है जाकर खोज लीजिए, क्या करेगा आदमी, पूरा इंडिया में हर आदमी से ज्यादा के पूछना पड़ेगा ना कि आप हैं सत्यम, आप हैं सत्यम, आप हैं सत्यम, राइट, यस सर। मत समझ गए। यहाँ पे भी ऐसा ही प्रोविजन है कि हर जगह का अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है। अब सी लैंग्वेज में आपको उस एड्रेस का एक्सेस दिया गया है, आप उस एड्रेस को देख सकते हैं, उस एड्रेस को यूज करके डायरेक्टली आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। अभी तक जब आप स्कैनफ करते हैं, अब क्या करते हैं, स्कैनफ, ठीक है, और वहां पे लिखते हैं परसेंटेज डी आईएनटी के लिए, और उसके बाद लिखते हैं एम्परसेंड, लेट्स से कोई वेरिएबल है ए, नम लिखते हैं, आप भी लिखते हैं, राइट, लेट्स से नम जो है मेरे पास कैसा वेरिएबल है, नम, ठीक है, आप लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना, हाँ सर, इसमें यस ये जो चीज है ना, सर। ये जो चीज है एम्परसेंड, इसको एक्चुअल में आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ, ठीक है, एम्परसेंड को आप क्या पढ़ सकते हैं, एड्रेस ऑफ, तो बोलते हैं क्या कि आपको जो है इनपुट करना है तो कहाँ पे करना है, तो एड्रेस ऑफ नम, कहाँ इनपुट करना है, एड्रेस ऑफ नम, बिल्कुल नम के एड्रेस पे जाके इनपुट कीजिए, बात समझे। इस एम्परसेंड को आप क्या पढ़ सकते हैं, एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ, ठीक है, तो यहां पे अब क्या हो गया, नम के एड्रेस पे जाके आप बोलते हैं इनपुट करने के लिए, हर बार आप यूज करते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज है, लेकिन इस एम्परसेंड को आप बोलते हैं एड्रेस ऑफ, दूसरा जो चीज है ये यहाँ पे है एस्टरिस्क, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंटर, इस स्टार मार्क को यूज करके हम लोग बोलते हैं इसको पॉइंटर, ठीक है। अब
इसको आप पर बोल सकते हैं वैल्यू एड, क्या बोल सकते हैं वैल्यू वैल्यू एड, ओके। ठीक है, बड़ा आसान हो गया, राइट। तो ये आपका एम्परसेंड जो है वो आपका है एड्रेस ऑफ, और ये क्या है वैल्यू एट। एड ठीक है, वैल्यू एट, अब जैसे हम बोल देते हैं वैल्यू एट एम्परसेंड नाउन, मतलब वैल्यू एट एड्रेस ऑफ नाम नम। बात समझ गए, कोई दिक्कत? नो चलिए, सर अब चलिए इस समझ में आ गया। पॉइंटर्स में, अब पॉइंटर में क्या है, तो पॉइंटर जो है किसी एक स्पेसिफिक एड्रेस को डिनोट करता है, मतलब किसी एक स्पेसिफिक एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको डिनोट करता है। ठीक है, पॉइंटर क्या करता है वैल्यू को डिनोट करता है, और एम्परसेंट जो है एड्रेस बताता है। बात समझ गए? यस सर चलिए उसको करके देखते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत थी समझने में कि हम क्या बोल रहे थे, पॉइंटर सर क्या है नहीं है? ठीक है, असल में अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये हम आपको ऐसे ही बताए हैं, ये केवल और केवल आपके समझने के लिए है कि आप आसानी से समझ जाए। ठीक है, असल में आप चलिए करके देख रहे हैं, चलिए बस आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आए, इसलिए हम आपको ऐसे बताएं वैल्यू एट एड्रेस ऑफ, जो कि आपको पढ़ने में आसानी रहे कि पॉइंटर क्या है, पॉइंटर क्या है, राइट। असल में आप अगर देखेंगे तो किसी भी पॉइंटर में जो है आप स्टोर करते हैं एड्रेस, क्या स्टोर करते हैं एड्रेस। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं जैसे मेरे पास INT num है, ठीक है, और मान लेते हैं INT num में हम कुछ वैल्यू दे दिए 100, 10, 5 कुछ भी, राइट। तो आपको अगर INT का पॉइंटर चाहिए तो उसको INT का एक वेरिएबल लीजिए। यहाँ पे ज्यादातर हम लोग PTR यूज करते हैं पॉइंटर के लिए, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि पॉइंटर है, लेकिन एक प्रोग्राम में एक ही PTR ला सकते हैं ना, और आपको बहुत सारा पॉइंटर चाहिए तो खाली पॉइंटर से तो काम नहीं चलेगा, जैसे num, राइट, खाली num ही से तो पूरा प्रोग्राम निकालना ही नहीं चल जाता है, num से समझ में आता है नंबर है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर जगह num ही आप यूज कीजिएगा। 10 अगर वेरिएबल चाहिए तो हर सबका सब 10 num तो नहीं ना हो जाएगा, हेलो। इसी तरह से पॉइंटर आप PTR लोग अगर मान लेते यस हैं तो पॉइंटर कर दे तो PTR तो लोगों को समझ में आता है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार आप उसमें वही करेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस num का कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा जहां पर कि 100 क्या है वेरिएबल है जब ये वेरिएबल है num, इसमें 100 स्टोर किए हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो एड्रेस वैल्यू होगा, यस सर नंबर कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, इस एड्रेस को हम होल्ड कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, तो पॉइंटर में जो है स्टार PTR में ये क्या हो गया एड्रेस ऑफ एड्रेस नम, वैल्यू एड्रेस नहीं क्या एड्रेस और क्या वैल्यू आपने दोनों जगह एड्रेस ऐसे ऑफ भी होगा एड्रेस और नम, वैल्यू बात समझ वैल्यू गए, पैरामीटर है उसका नाम कोई होता है दिक्कत? वैल्यू एट एड्रेस ऑफ नाउन नो सर इसमें हम राइट क्या स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू PTR एट में क्या स्टोर एड्रेस किए ऑफ नाउन हैं, इससे इसका बढ़िया तो बिट इसको क्या होगा बोला एड्रेस नम का एड्रेस बी चेंज से एड्रेस स्टोर ऑफ नाम, ऐसे पढ़ सकते हैं अगर हम यहाँ पे PTR को प्रिंट करें, क्या प्रिंट होगा? यस सर चलिए, और अगर हमको यहाँ पे स्टोर हुआ है इसका एड्रेस, लेकिन जब हम इसको कभी प्रिंट करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमको मिलेगा, देखिए आप स्टार PTR किए, इसमें असाइन किए क्या एड्रेस ऑफ नम, वैल्यू एड्रेस नम एड्रेस ऑफ ऑफ नम नम। अब अगर आप P को प्रिंट कीजिए तो P में क्या है,
सॉरी पीटीआर है ना। अब अगर पीटीआर जो है इसमें आप क्या स्टोर किए हैं, एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ नम, पीटीआर में क्या क्या है, एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ नम। नम का एड्रेस। अगर आप पीटीआर प्रिंट कीजिएगा, अगर आप पीटीआर को प्रिंट कीजिएगा तो आपको मिलेगा एड्रेस ऑफ नम। नम अगर स्टार पीटीआर लाइएगा तो आपको मिलेगा वैल्यू एट एट नम एड्रेस एड्रेस ऑफ, ऑफ एड्रेस ऑफ नम नम बस समझ में आ गया। क्योंकि पीटीआर में आप डाले क्या है, एड्रेस ऑफ नम। पीटीआर में क्या डाले हैं, एड्रेस ऑफ नम एड्रेस ऑफ नम डाले हैं। और इसको हम पढ़ने के लिए आपको क्या बोले शॉर्टकट में, वैल्यू एट, राइट। इसको हम क्या पढ़ने के लिए बोले आपको, वैल्यू वैल्यू एट एट। तो इसको आराम से पढ़िए, ऐसे पढ़िए वैल्यू एट पीटीआर। पीटीआर में क्या है, एड्रेस ऑफ एड्रेस नाम नम। एट वैल्यू एट एड्रेस ऑफ नाम। समझ में आया बात, अच्छा तो आसान है राइट, बहुत कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो अगर आप स्टार पीटीआर करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा, और केवल पीटीआर करेंगे तो उसमें जो एड्रेस स्टोर किए हैं वो मिलेगा। तो देखिए एड्रेस आप या क्या हुआ सर, नम जो है सर, 100, नम 100 हाँ एक इस वेरिएबल डाले हैं, एड्रेस। क्योंकि हमको आपको क्या दिखाना था कि हम इस पीटीआर में क्या स्टोर कर सकते हैं, एड्रेस। क्या स्टोर कर सकते हैं, एड्रेस एड्रेस। तो एड्रेस स्टोर करने के लिए एड्रेस वेरिएबल चाहिए था ना। मतलब क्या हुआ सर, यस एड्रेस का मतलब क्या हुआ, हर वेरिएबल का एक जगह होता है ना, लोकेट, मेमोरी। ओके सर, मेमोरी का एड्रेस। अच्छा एड्रेस का मतलब किसका एड्रेस, मेमोरी का मेमोरी में एड्रेस, कहाँ स्टोर किया हुआ है। मेमोरी। बात समझ में आ गया, हाँ सर, एड्रेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मेमोरी का लोकेशन कहाँ है वो। ठीक, यस सर, कोई यस दिक्कत। सर, अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंटर है ये किस टाइप का है। INT सर, पॉइंटर में भी जब आप पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे तो उसमें भी आपको टाइप बताना होता है, ठीक है। तो ये INT का पॉइंटर है, तो INT का एड्रेस इसमें स्टोर कर सकते हैं, और उसके और वैल्यू एट पी, इसमें आप लोग स्टोर क्या किए हैं, इस लाइन में क्या स्टोर किया हम लोग। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, हम जो सेलेक्ट किए एड्रेस ऑफ हैं नाम या एड्रेस ऑफ एड्रेस नाम। ऑफ नाम, और स्टार पीटीआर। अगर हम पीटीआर प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, पीटीआर को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा, पीटीआर को एड्रेस ऑफ नाम मिलेगा सर, एड्रेस वैल्यू प्रिंट। और अगर हम स्टार पीटीआर प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा, एट एड्रेस ऑफ नाम। राइट। तो अगर आपसे हम पूछा जाए कि आप पॉइंटर में क्या कर सकते हैं, तो पॉइंटर में हम क्या स्टोर किए हैं, एड्रेस ऑफ नाम एड्रेस ऑफ नेम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ नाम तो हम लोग अगर चाहें तो अगर हम लिख दें स्टार पीटीआर इक्वल टू 200, क्या लिखते हैं। हंड्रेड तो अभी क्या हो गया, इसको जरा पढ़िए तो आप पूरा पढ़िए, आपको स्टार्ट पीटीआर जैसे आपको पढ़ने के लिए वैसे पढ़िए वैल्यू ना। एट वैल्यू एट वैल्यू एट पीटीआर एड्रेस पीटीआर ऑफ एड्रेस ऑफ नम नम इक्वल इक्वल्स टू, टू 200, मतलब 200 नम के एड्रेस पे क्या चला गया, 200 200 चला गया। बात समझ में आया, नम के एड्रेस पे क्या चला गया, 200 200। असल में किसका वैल्यू चेंज हो गया, नम का नम का वैल्यू इंट चेंज हो गया। नम। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, यस चलिए फिर से, आया कि नहीं आया या कंफ्यूज है। आया सर, आ गया शिवानी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसी को, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग का सारा काम इसी पॉइंटर से होना है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पॉइंटर होता क्या, कहता हम पॉइंटर में, अच्छा पॉइंटर होता क्या है, व्हाट इज पॉइंटर, प्रोग्रामिंग
क्या समझ में आया पॉइंट है? वेरिएबल पॉइंटर पॉइंटर किसी भी वैल्यू का एड्रेस स्टोर करता का, है। इट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अ हाँ वेरिएबल। तो वेरिएबल और केवल वेरिएबल नहीं, फंक्शन का भी कर सकता है, वो भी हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल वेरिएबल तक रखते हैं, बाद में आगे भी देखेंगे, ठीक है? इट कैन एड्रेस, इट कैन स्टोर द एड्रेस आप वेरिएबल एड्रेस ऑफ अ फंक्शन टू। वेरिएबल तो करेगा ही, फंक्शन भी करेगा। चलिए अब जरा इसको हम लोग करके देखते हैं, ठीक है? आगे मेरा सी फीचर स्टोरी जरा हमको खोलने दीजिए। ओके, पॉइंटर कुछ समझ में आया आप लोगों को? तो पॉइंटर जो है, आपको एक अलग तरह का प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है, जिससे कि आप डायरेक्टली मेमोरी के साथ जुड़ के डायरेक्टली आप उस मेमोरी पे काम कर सकते हैं, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप उस मेमोरी पे जाके काम कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर करने दीजिए मुझे। कल यही कर रहे थे ना, एक ब्लॉग अभी तक। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस हाँ मैम। सर। ओके, चलिए। क्या था, इसको जरा बंद करते हैं और हम लोग पॉइंटर्स को देखते हैं। पर सैंपल है, देखते हैं इसमें क्या लिख के रखे हैं। अगर कुछ ऐसा लिख के रखेंगे जो आपके काम का चीज है तो करेंगे। हाँ वैसे ही तो है, ठीक है, ठीक है। तो सेम चीज जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, वही चीज यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखे हैं आईपी मेन, और यहाँ पे एक वेरिएबल लिए हैं आईएनटी नम। उसमें क्या है वैल्यू? हेलो, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? 100 सर। 100 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, असाइन द एड्रेस ऑफ अ नम टू पॉइंटर पीटीआर, ठीक है? तो आईएनटी स्टार, यहाँ पे स्टार यहाँ पे लगाते हैं, आईएनटी स्टार, जो ये इंडिकेट करता है कि इसके आगे जो आने वाला है वो क्या होने वाला है, पॉइंटर होने वाला है। स्टार क्या इंडिकेट करता है, पॉइंटर ये पॉइंटर होने वाला है। पॉइंटर और उसमें आप क्या डाल दिए हैं, एड्रेस एड्रेस ऑफ नाम। ऑफ नम, प्रिंट द वैल्यू ऑफ नम। और इसको अभी हम नम प्रिंट किए, नम में 100 डाले हैं और प्रिंट क्या किए हैं, 100। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है? सर अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट द एड्रेस ऑफ नम। क्या प्रिंट कर रहे हैं, नम का एड्रेस प्रिंट कर एड्रेस। नम का। अभी तक आप स्कैनफ में एम्परसेंड लगाते थे, अगर आप प्रिंटफ में एम्परसेंड लगा दीजिएगा। और यहाँ पे आपको पॉइंटर प्रिंट करने के लिए परसेंटेज पी डालना है। पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट करने के लिए क्या डालना है, परसेंटेज पी, ठीक है? ये आपको एड्रेस प्रिंट करके देगा। तो अभी आप एड्रेस ऑफ, ये क्या प्रिंट करके देगा आपको, एड्रेस ऑफ नाम। और यहाँ पे देखिए, तो पीटीआर में हम लोग डाले हैं ना, पीटीआर में क्या डाले हैं, एड्रेस ऑफ नाम डाले हैं ना। तो अगर हम प्रिंट करेंगे पीटीआर को तो क्या मिलेगा,
पीटीआर का एड्रेस मिलेगा सर, एड्रेस पीटीआर का ऑफ एड्रेस नम, नहीं, एड्रेस ऑफ पीटीआर में क्या डाला है? एड्रेस ऑफ नम मिलेगा सर, एड्रेस नम का, नम का एड्रेस। नम तो का जब एड्रेस पीटीआर मिलेगा को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा? एड्रेस ऑफ नम। नम। और ये अगर हम डालेंगे प्रिंट किए हैं, क्या किए हैं प्रिंट, ये परसेंटेज देखें, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, वैल्यू एट पीटीआर, वैल्यू एट एड्रेस एड्रेस ऑफ ऑफ पीटीआर, नम, वैल्यू एट पीटीआर बोल सकते हैं। और पीटीआर में यस क्या है, सर, एड्रेस ऑफ नम, नम, तो वैल्यू एट एड्रेस ऑफ नम, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 100। हाँ सर, कोई दिक्कत? यस सर, ठीक है। और अब इसको अगर हम वैल्यू एट एड्रेस ऑफ पीटीआर में क्या चेंज कर दिए, वैल्यू चेंज करके 80 डाल दो वैल्यू, है ना, तो वैल्यू का चेंज हो जाएगा। पीटीआर में किसका एड्रेस है, अभी तो एडमिट का है सर, एड्रेस ऑफ नाम का, नम का, पीटीआर में किसका एड्रेस है, एड्रेस एड्रेस ऑफ नाम, ऑफ मतलब नम का एड्रेस है, राइट। यस उस एड्रेस पे जाके हम डायरेक्टली क्या कर दिए, वैल्यू एट उस एड्रेस पे क्या कर दिए, 80 लिख दिए। उस एड्रेस पे जाके क्या लिख दिए हम, तो अभी हम अस्सी सीधा जाके उस एटी एड्रेस पे लिख रहे हैं। हम लोग कहाँ जाके सीधा लिख रहे हैं, उस एड्रेस पे, एड्रेस एड्रेस पे ही लिख रहे हैं, पे, ठीक है। और उसके बाद उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, तो अभी हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ नम, ये एड्रेस ऑफ नम प्रिंट करता है, नम का वैल्यू प्रिंट करता है ना, नम का वैल्यू है ये नम नम प्रिंट तो आप लोग इतना दिन से कर रहे हैं, हाँ सर, नाम निकल हुआ है नम का वैल्यू, नम का पीटीआर, वैल्यू भी क्या मिलेगा, नम का वैल्यू 80 मिलेगा, 80 मिलेगा। तो अभी हम लोग क्या किए हैं, नम को यूज तो नहीं किए ना वैल्यू चेंज करने के लिए, किसको यूज किए हैं, पॉइंटर को, मतलब सीधा जाके उस पॉइंटर, एड्रेस पे ही जाके हम लिख दिए, राइट। सीधा यस जाके हम क्या किए, एड्रेस पॉइंटर की एड्रेस को ही पे पहचान ही लेंगे जाके लिख दिए। कोई दिक्कत? नो सर, किनको किनको नहीं समझ में आया है पॉइंटर? आ गया सर, आ गया है। तो बेसिकली अब आधा पॉइंटर जो है एड्रेस ऑफ तो यूज करना ही पड़ता है सबको, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं, सीधा बोल देते हैं एम्परसेंड एन लिखिए, आपका जो है वैल्यू प्रिंट होगा, राइट। लेकिन असल में इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोल देता है लोग, ठीक है। और ये आपका हो गया वैल्यू एड, क्या हो गया वैल्यू वैल्यू, एड नो कोई दिक्कत इसको समझने में, शिवानी सर, नो सर, समझ। चलिए इसको रन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, यस सर, आउटपुट आंसर, यस सर, ओके थैंक यू। देखिए तो क्या सबसे पहले क्या प्रिंट किया, वैल्यू ऑफ नम कहाँ से आया है, यहाँ से। इसमें कोई दिक्कत, नम में क्या डाले हैं, नो सर, नम में 100 डाले हैं, नम में 100 प्रिंट हो गया, राइट, सिंपली प्रिंट, हाँ सर, सिंपल प्रिंट हुआ, नथिंग स्पेशल इन दैट। नेक्स्ट क्या किए हैं, देखते हैं, एड्रेस ऑफ नम, एड्रेस ऑफ नम प्रिंट किए हैं। नेक्स्ट क्या प्रिंट किए हैं, एड्रेस ऑफ नाम, और यहाँ पे हम लोग एड्रेस डाले हैं ना पीटीआर में, यहाँ पे एड्रेस डाले हैं ना, यस देखो हम लोग यहाँ पे प्रिंट सर, कर रहे हैं, लेकिन अभी हम पीटीआर नहीं प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं, नम का नम का एड्रेस, एड्रेस ऑफ नम, ऐसे प्रिंट कर एड्रेस, रहे हैं एम्परसेंड यूज करके। तो देखिए हमको ये मिला है, ये है इसका एड्रेस, 00001 3D 1 3 9 D। और ये आप लोग को पता है ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर, क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली हेक्साडेसिमल नंबर, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें 16 डिजिट यूज होता है, कितना डिजिट यूज होता है, 16 डिजिट। 16 मेमोरी एलोकेशन के लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ही यूज करते हैं, ताकि बड़ा बड़ा नंबर जो है कम जगह पे स्टोर हो जाए, ठीक है। कोई दिक्कत, डिजिट, हमें एक्स्ट्रा वन क्या बोले सर, हेक्साडेसिमल, हेक्सा हेक्सा, एक्स्ट्रा हाँ, और डेसिमल तो 16 डिजिट इसमें होता है, हेक्सा 6 होता है ना, सर, और डेसिमल 10, हेक्सा डेसिमल हो गया 16, ठीक है।
इस नंबर सिस्टम में कितना हम लोग डिजिट यूज करेंगे? 16। तो बोलिएगा 10 के बाद, 9 के बाद तो कोई डिजिट ही नहीं होता है, 10 के बाद तो 1 और 0 नहीं यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10 को बोलते हैं 1, 11 को बोलते हैं बी, 12 को बोलते हैं सी, 13 को बोलते हैं डी, 14 को बोलते हैं ई, और 15 को बोलते हैं एफ। ठीक है, 0 से लेके 15 तक यूज होता है। तो 9 तक तो आपका 0 to 9 हो गया, जहां 10 होगा वहां पे लिखेंगे ए, 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई, 15 की जगह एफ। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेट जब होता है, मेमोरी का एलोकेशन होता है, मेमोरी का जो एड्रेस बताना होता है, तो उस मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने के, मतलब एड्रेस रखने के लिए हम लोग जो नंबर सिस्टम यूज किया गया है वो है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे इसलिए आप देखेंगे कि नंबर में क्या ये है, 16 का क्या होगा? 16, 16 तो 0 ना हो जाएगा, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 ही ना है, हाँ सर, तो तो यहाँ पे भी हेक्साडेसिमल में 0 से 15। बात समझ में आ गया? सर चलिए, तो इसीलिए आप यहाँ देखते हैं कि नंबर में डी एफ ये सब लिखा हुआ है। बात समझे? यस तो ये नंबर ही है, तो डी का यस वैल्यू सर, वहां पे है, डी का मतलब वहां पे 13 है, और एफ का मतलब क्या है, वहां पे 15 है। ठीक, तो एड्रेस किस में स्टोर होता है, कौन से नंबर सिस्टम में? हेक्साडेसिमल अच्छा डिस्क। नंबर सिस्टम में। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो देखिए जब हम लोग प्रिंट किए हैं एड्रेस, तो हम लोग एम्परसेंड नम से प्रिंट किए हैं, ये वाला चीज जो कि यहाँ पे आया है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो क्या प्रिंट किए हैं, वैल्यू एट पी, अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, वैल्यू पीटीआर। पीटीआर में क्या स्टोर किए हैं? ऑफ वेरिएबल नाउन, वैल्यू नहीं, पीटीआर में क्या स्टोर किए हैं, एड्रेस। पीटीआर में सॉरी क्या स्टोर किए एड्रेस हैं, ऑफ, ये पीटीआर है, यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है ना, तो पीटीआर में क्या मिलेगा हमको, एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ किसका, नाम, नम। तो देखिए तो यहाँ पे एम्परसेंड नाम नम से प्रिंट किया, और यहाँ पे पीटीआर से प्रिंट किया, दोनों में सेम चीज है, दोनों में सेम चीज है, यस सर, कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है, पहले हम लोग जो वैल्यू प्रिंट किए थे नम का, नम को डायरेक्ट प्रिंट किए थे, अभी यहाँ पे इस लाइन में कैसे प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यू एट पीटीआर करके, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ नम। तो यहाँ पे आया 100, ये वाला है ना लाइन, वैल्यू पॉइंटेड टू बाय पीटीआर, वैल्यू पॉइंटेड टू बाय पीटीआर, उसका क्या आ रहा है, 100, 100 आ रहा है। हंड्रेड आप लोग को यस समझ में सर, नहीं आ रहा है क्या मेरी बात, क्या आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं? सर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, इस एड्रेस पे जाके वैल्यू को क्या कर दिए, चेंज कर दिए, एड्रेस चेंज कर दिए यस पे सर, जाके वैल्यू को हम क्या कर दिए, वैल्यू एट पीटीआर, वैल्यू एट पीटीआर में हम चेंज करके 80 कर दिए, बाद में हम नम से प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रहा है नम में, एड्रेस चेंज वाला मिल रहा है, सर नया वैल्यू, राइट। यहाँ पे नम में क्या आ गया, नया वैल्यू। हेलो, ठीक है, समझ में आया है आप लोगों को, हाँ तो हम आप लोगों को समझ में आए थे, यहाँ पे भी हम सब कुछ लिख दिए हैं। ठीक है, बाद में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, यस सर, जरूर नोट कर लीजिए आपको।